में बंद युवाओं से मिलने के लिए पहुंचे छात्र, बॉबी पवार समेत दूसरे युवाओं से मुलाकात की। शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने के निर्देश आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से दिए गए। तो देखिए, छात्रों का कहना है कि धरना चलता रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा, ये ना सोचा जाए कि थककर छात्र यहाँ से उठ जाएंगे, जबकि ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसी बीच छात्रों से मिलने के लिए, जेल में बंद युवाओं से मिलने के लिए कुछ छात्र वहां पर पहुंचे। उनसे मिलने गए थे हम, तो उन्होंने कहा हम सब लोग ठीक है, और उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना जब तक हम जेल में हैं, और जिस दिन हमारी रिहा हो जाएगी उस दिन हम आगे का प्लान खुद बताएंगे। उन्होंने कहा कि मतलब कि जो आंदोलन चल रहा है ये एक ईमानदारी का आंदोलन है, हमने कुछ अन्याय नहीं किया है, जिसके कारण हम कुछ इस चीज़ से डरें कि हमें हमारे ऊपर 307 की धारा लगाई जा रही है, हम इससे डर नहीं रहे हैं। और देखिए, उधर कांग्रेस की तरफ से बेरोजगार युवाओं को समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा धरना स्थल पर पहुंचे, बेरोजगार युवाओं को उन्होंने समर्थन दिया। करण महारा का यह कहना है कि युवाओं पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आराम से सत्याग्रह कर रहे थे, उन पे मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि इनके पास विजुअल्स हैं, पुलिस वालों के हाथ में पत्थर है, कुछ अराजक तत्वों के हाथ में पत्थर है, और आदरणीय प्रीतम सिंह के संग जिन्होंने मिसबिहेव किया, वो एबीवीपी का छात्र है, मेरे पे इन्होंने एफआईआर किया है। और मैं आज भी पूरे होशोहवास में इस बात को कह सकता हूँ कि जब मुझसे कोर्ट या फिर पुलिस मांगेगी, मैं तथ्य और सबूतों के सामने चीज़ों को रखूँगा। तो जो यहाँ बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियाँ बैठे हैं, इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, बॉबी पवार और उसके साथियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। उधर बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया। इसी दौरान सचिवालय कूच से पहले महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग पर पुलिस ने रोका। इसके बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। वो बच्चे ही मांग कर रहे हैं कि इसमें उनको जस्टिस दिया जाए, सीबीआई की जाँच की मांग की जाए। तो रात को बच्चों को उठाया जाता है, अगले दिन पर लाठीचार्ज होता है। पुलिस प्रशासन को साथ में लेके सरकार युवा बेरोजगारों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, हम उसके खिलाफ धरना कर रहे हैं। और देखिए, देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें 52 फैसलों पर मुहर लगी है। नकल विरोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में व्यावसायिक भवनों के लिए स्लैब निर्धारित किए गए। 5 स्लैब के अनुसार व्यावसायिक भवनों को मुआवजा दिया जाएगा। नैनी सैनी एयरपोर्ट एयरफोर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र 13 से 18 मार्च को गैरसैंण में आयोजित होगा। रेरा के ढांचे के लिए 30 पदों को सृजित किया गया है। मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। किच्छा में बनाए जाने वाला ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर के 1 किलोमीटर दायरे तक अगले 3 महीने के लिए निर्माण काम पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग में बंदी रक्षक की तैनाती अधिकारी बदले गए हैं। अब रेंज को इसका अधिकार मिला है, और खिलाड़ियों को खर्चे दिए जाने को लेकर सीएम खेल विकास नीति का गठन भी किया गया है। और देखिए, स्टार्टअप के लिए नई नीति को मंजूरी मिली, यानी कि कुल मिलाकर बड़े फैसलों पर मंजूरी। महाविद्यालयों के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए घरों में स्पेशल टीचर्स रखे जाएंगे। परिवहन निगम को जो 100 बसें खरीदने जा रहा है, उसके लिए 30 करोड़ का लोन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। धामी कैबिनेट की बैठक में ये बड़े लिए गए। ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच उधम सिंह नगर में खुलने जा रही है, और किच्छा के पास। और जब भी नया प्रोजेक्ट आता है, उसके आसपास ज़मीन की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है और हैफेसर डेवलपमेंट हो जाता है, तो उस एरिया का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जो कि 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, 1 किलोमीटर एम्स की बाउंड्री के चारों तरफ। जब तक ये 3 महीने में मास्टर प्लान नहीं बनता, तब तक 3 महीने वहाँ कोई निर्माण नहीं करने का निर्णय लिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।